बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नाफरमान बेटे का जिक्र आपके साथ बयान करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली, हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड वीडियोज रेगुलर मिलती रहेंगी। इससे पहले भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपके अख़लाक़ो किरदार पर मबनी वीडियोज बना दी है, तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ही वीडियोस अपलोड करें। तो नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स की मौत का वक़्त करीब आया। जानकुनी की हालत में था, यानी कि ना मरता था ना जीता था। कई दिनों से यही कैफियत चली आ रही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में इतला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इसकी माँ जिंदा है? तो अर्ज़ किया गया, जी हाँ इसकी माँ जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी माँ को बुलाया जाए। जब उसकी माँ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने अपने बेटे को माफ किया है? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियां इकट्ठी की जाएं। चुनाचा लकड़ियों को इकट्ठा किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लकड़ियों को आग लगा दी जाए और इसके बेटे को इसमें फेंक दिया जाए। चुनाचा इस पर उस लड़के की माँ की ममता जाग उठी और वो रोते हुए कहने लगी कि हुजूर, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे को माफ़ नहीं करोगी तो अल्लाह ताला भी इसको माफ़ नहीं करेगा। चुनाचा उस औरत ने अपने बेटे को माफ़ किया और उसकी जान निकल गई। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपने वालदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आएं, क्योंकि अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह ताला भी नाराज होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।